ये मेरे सारे रिपोर्ट्स बताते हैं, ठीक है। तो मैं हार्ट की प्रॉब्लम है, मुझे किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, ब्रेन में भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो साथ लोग थे, उन्होंने मुझे बहुत मारा है सर। I can't believe I'm walking the same road as It's an honor. It's a privilege. It's a privilege. It's an honor. I don't know if the audio is good or not, but यही वो चौराहा है जहाँ पे वो कांड हुआ था। अभी ऐसे दूर से समझ में नहीं आ रहा होगा और यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा रहती है, बट देखो ये वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। आई होप यू कैन सी इट। यही वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है जहाँ पे मैडम क्रॉस कर रही थी। नाउ वी गेटिंग बैक टू होम। पोकेमॉन लग रहा था, कोई उड़ उड़ के पोकेमॉन ऐसे नहीं, एकदम कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टाइप का कुछ चांटे लग रहे थे वो, जैसे कूद कूद के मार रही थी। बट द पॉइंट इज कि ये लड़की उसके बाद इंटरव्यूज में जाके बहुत ही अतरंगी और बदरंगी और सतरंगी टाइप की बातें कर रही है। वन ऑफ देम इज आज मैं मर गई, आप क्या करोगे, पोस्टमार्टम करके मेरे घर भेज दोगे लाश, कल आपके घर की लड़की मरेगी, परसों किसी और के घर की लड़की मरेगी, नर्सों किसी और के घर की लड़की मरेगी, और सबके घर की लड़कियां ऐसी मरती चली जाएंगी, आप कब तक देखोगे प्रियदर्शनी जी। लेकिन बात तो ये देखो, मेरा बहुत मन है कि मैं बहुत काम अच्छे से और बिना किसी रूट कॉमेंट्री के ये वीडियो निकाल दूं जस्ट बाय गेटिंग द मैसेज अक्रॉस, बट ये ऐसी ऐसी बातें बोल रही है। बट यू नो व्हाट, आई डोंट थिंक कि उस लड़के की कोई बेइज्जती हुई है यहाँ पे, जो उसको लग रहा है यार, उसने एक एग्जांपल सेट किया है कि मतलब इतना पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज किया जा सकता है किसी सिचुएशन में, मतलब इट इज पॉसिबल। तो मुझे नहीं लगता कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कोई गई है, बट डेफिनेटली वो डिजर्व करता है एक अपोलॉजी। एंड व्हेन आई वेंट टू दैट प्लेस टुडे, ठीक है यार, मतलब बहुत लाइक आई वाज ट्राइंग टू एंजॉय इट एंड ऑल, थोड़ा फनी वीडियो बनाना होता है बिकॉज नोबडी वॉचेस इट अदरवाइज, बट आई फेल्ट बैड यार। तुम उस लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो यार, वो इंटरव्यू में उसकी आंखें भर आती हैं, उसका गला चोक हो जाता है, तुम उसके कितने भी इंटरव्यू सुनो। इट ऑल्सो सेट्स एन एग्जांपल कि यार कि मतलब हाँ यार, मेल लाइक मोस्ट ऑफ द मेल आई नो दे आर लाइक इमोशनल पीपल, उनको भी इमोशंस होते हैं यार, एंड आई फाइंड मेल्स आर यू नो अ लॉट मोर सेंसिटिव समटाइम्स इन सर्टेन सिचुएशन, जहाँ पे वो कुछ ऐसा हेल्पलेस फील करते हैं, जैसे ये सिचुएशन थी। ऐसे केस में लाइक मैन गेट डू मतलब इट्स ऑब्वियस टू गेट इमोशनल, होते हैं लाइक एवरीबॉडी इज सेंसिटिव, यू आर सपोज टू बी सेंसिटिव एज अ ह्यूमन बीइंग। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अगर कुछ इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करना हो, लाइक सम सॉर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इफ यू वांट टू सजेस्ट, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। एंड या एंजॉय, हैव पेशेंस लाइक दैट गाय, नहीं मतलब लेकिन इतना भी कोई चढ़े तो चाटा मार सकते हो। Concerning non-violence, it is criminal to teach a man not to defend himself when he is the constant victim of brutal attacks. Sex and race, because they are easy, visible differences.